हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंच ऑफ पैशन बाय मेघा। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच सैलेड की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। प्रोटीन रिच पीनट सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूँगफली। ये बिल्कुल नॉर्मल मूँगफली है जिसे हम आमतौर पर पोहे में, नमकीन में यूज़ करते हैं। इसे अच्छे से धोकर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। मैंने मूंगफली को पहले ही भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर हमें भीगी हुई मूंगफली को उबालना है, तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन। अब मैं उसमें ये सारी मूंगफली डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है 1 चुटकी नमक। अब यहाँ पे हम कर लेंगे फ्लेम को ऑन और मूंगफली को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मूंगफली को उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। यहाँ सैलेड को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी प्लेट का यूज़ किया है, आप चाहें तो किसी बोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम अपने बॉयल किए हुए पीनट्स को डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल्ड कॉर्न्स, इन्हें मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। इनको भी हम लगभग 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अब मैं इस बॉयल किए हुए कॉर्न्स को पीनट्स में ऐड कर दूंगी। कॉर्न्स के साथ इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर। दिस प्रोटीन रिच सैलेड इज़ एक्चुअली गुड फॉर एवरीवन, लेकिन जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड ऑल द न्यूट्रिशंस। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें एक खीरा जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही मैं हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अब साथ में ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस। यहाँ पे मैंने एक नींबू का ही यूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने चाट मसाला बीच में डाल दिया है, उससे भी कुछ खटास आ जाती है, इसलिए एक नींबू सफिशियंट है। नींबू को अच्छी तरीके से स्क्वीज करने के बाद हम 2 चम्मचों की हेल्प से इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर ये हमारा प्रोटीन रिच पीनट सैलेड बनके हो गया है रेडी। इसे आप किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर स्नैक्स की तरह इंजॉय कर सकते हैं। इतनी अच्छी रेसिपी के लिए एक ट्राई तो बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी कई और इंटरेस्टिंग, हेल्दी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।